राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं। अमन, राजधानी लखनऊ में हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच जो क्रिकेट का जो रोमांच है वो चरम पर है। आप इस वक्त कहां पर हैं और लखनऊ में क्रिकेट को लेकर के, आज इस मैच को लेकर के, इस सेमीफाइनल मैच को लेकर के कितना लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? देखिए आलोक, मैं राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय के जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसी के ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ और पीछे आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं और साथ में जो यहाँ फिजिकल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं चोडी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। अगर बात करें अगर इस सेमीफाइनल की तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी उत्साह है क्योंकि बात करें जो टीम इंडिया का विजय रथ है वो कहीं ना कहीं चलता जा रहा है और अगर बात करें इस बार के जो टॉप में इंडिया ने फिनिश भी किया है तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर उत्साह है बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा हमारे साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं ये जो है लोगों से ये अपील भी कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो है टीम इंडिया के लिए प्रे करें कि वो इस बार का जो फाइनल है वो जीत के आए। जी आलोक, अमन आपके साथ तो फिजिकल एजुकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, यूनिवर्सिटी के पीछे का नजारा है बिल्कुल, जहां पर घंटों हम देखते हैं वो जो ग्राउंड बना है, नई पौध क्रिकेट की तैयार होती है वहां पर, जरा लोगों से भी तो बात करिए। हमारे साथ मौजूद है सर, किस तरीके से आज का फाइनल देख रहे हैं क्योंकि बात करें सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है, न्यूजीलैंड से इंडिया खेलने जा रही है, तो किस तरीके से पूरा मैच देख रहे हैं? देखिए पहली चीज तो हम भारत जीते अपने प्रदर्शन पे, अपने बाहुबल पे, अपने औकात पे जीते। हम प्रेयर करने वाले नहीं क्योंकि हम लोग भी खुद इंडिया रिप्रेजेंट किए थे 76-77 में। दूसरी बात, ओल्ड ट्रैफर्ड की जो पिच है वो सीमर्स को और स्विंगर्स को बहुत मदद करती है। अगर हमारा जैसे समी है, मोहम्मद समी और भुवनेश कुमार दोनों को अगर पहले 3 ओवर में लाइन लेंथ मिल गई तो फिर न्यूजीलैंड बहुत बंडल आउट कर देंगे, 200 के अंदर आउट कर सकते हैं। टॉस हमारे जीतने पे हम उस वक्त इस सिचुएशन को, हम तो यहाँ हवा की बातें कर रहे हैं, जो खेलने वाले खिलाड़ी वो ग्राउंड देख करके हम लोग मिट्टी उठा के देखते हैं हवा किधर की चल रही है, उस हिसाब से बैटिंग और बॉलिंग का निर्णय लेते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया जीतेगी, इंडिया की टीम बहुत बैलेंस और बहुत स्ट्रांग है। हमारे लास्ट के बॉलर तक हमारे बैट्समैन हैं, हमारे पास 3-4 ऑलराउंडर हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ओपनिंग हमारी कैसी स्टैंड करती है, ओपनिंग के ऊपर पूरा मैच डिपेंड करता है। पहले 10 ओवर में अगर हम 60 रन भी बना के चलते हैं तो भी हम 300 तक फिनिश करेंगे अगर हमारी बैटिंग आती है। सर क्या स्कोर देख रहे हैं इस बार तो समीकरण है क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर देखा जाए तो बैटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चली है लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी है। देखिए न्यूजीलैंड में रॉस टेलर है जो कुछ भी कभी भी कर सकता है, एक ही आदमी ऐसा है जिससे थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है लेकिन वो भी नहीं। हमारे पास बॉलर बहुत सफिशिएंट है, जैसे युजवेंद्र चहल है, हमारे पास कुलदीप है, इनका बहुत अच्छा रोल रहेगा। और हमारे फील्डर जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान ने 12 से लेकर 20 कैचेस छोड़े हैं, हमारे फील्डर्स ने अब तक कुल मिला के 8.5 मैच को कुल 5 कैच छोड़े हैं। दुर्भाग्य है कि एक में हम वहां तक पहुंच नहीं पाए थे और 4 हाथ में आने के बाद रीच के बाहर थे, लेकिन जीतेंगे हम ही, भारत ही जीतेगा और इसका हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमारा ओपन से लेके लास्ट तक टिल एंड, चाहे 1 डाउन कहिए चाहे 10 डाउन कहिए, हमारे पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। सर इंडिया जीतता है तो फाइनल में किसके साथ देखना चाहेंगे? देखिए हम तो सीधे कहा, हमारा फिजिकल एजुकेशन एक हम आपको बताया कि जब 8 पीजी कर लिए, 9 पीजी का हमने एमपीएड किया है और मैं कि जिसके शरीर में बूता वो लंका में कूदा, बजरंग बली थे, जो भी बहादुर होगा वो जीतेगा, बाकी कुछ नहीं है। हमें अपने ऊपर नाज है कि हम भारतीय हैं और भारतीय ही जीतेंगे। प्रयास ये रहेगा कि अब उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाए हम आसानी से जीत लेंगे क्योंकि वो टकरत कमजोर टीम है। अगर सर बात की जाए बजरंग बली की तो मंगलवार भी है, इसीलिए तो हमने आपको भजन सुनवाया था, भजन बिना चैन ना है मेरा राम। तो आलोक निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन, जिसका साफ तौर पर कहना है कि जीतेगा ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा फिर से एक बार, क्योंकि अगर बात क्योंकि फिर से इंडिया जीतेगा। जी आलोक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।